गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो अभी हम हैं बीकानेर स्टेशन पे। ये बीकानेर जंक्शन है। यहाँ तो मतलब कल रात को ही आ गए थे, तो कल रात को अंदर ही रुक गए थे। आज निकलेंगे यहाँ घूमने, बाहर आ चुके हैं। अभी टाइम बता दिया आपको, टाइम हो रहा है 6:08 हो रहा है। अभी पता करते हैं कि जूनागढ़ फोर्ट खुलने का क्या टाइम है, वहाँ चलेंगे। फिर और भी जगह जो यहाँ घूमने वाला है सारा जगह को आज एक्सप्लोर करेंगे। और फिर आज रात को 11 बजे ट्रेन है जैसलमेर के लिए, तो रात को यहाँ से जैसलमेर निकलेंगे और आज एक्सप्लोर करेंगे बीकानेर। आप लोग सुने ही होंगे बीकानेरी भुजिया के बारे में। चलिए आज घूमते हैं बीकानेर और देखते हैं क्या क्या चीज़ें यहाँ घूमने वाली हैं। सारी चीज़ें घूमेंगे और एक्सप्लोर। ये बना हुआ है आपको बीकानेर जंक्शन पर। हम आ चुके हैं रॉयल फैमिली सेनेटॉप्स बोले तो क्रिमेशन ग्राउंड, यानी कि यहाँ पर रॉयल फैमिली के लोगों का दाह संस्कार होता था। तो ये मतलब लगभग बीकानेर से लगभग 8-9 किलोमीटर दूर है, बाहर में है। तो अभी यहीं घूमने वाले हैं क्योंकि जूनागढ़ फोर्ट जो था वो 10 बजे खुलने वाला था, तो काफ़ी सुबह था। तो अभी हम आ गए कि इधर ही चले घूम लें क्योंकि सुबह में खुल जाता है, और बगल में कुंड भी है, उधर भी जाकर देखेंगे कैसा सीन है। तो अभी हम चलते हैं क्रिमेशन ग्राउंड। पीछे जो आपको दिख रहा है वो क्रिमेशन ग्राउंड है। ये भी हम रोड की साइड है, उस साइड जाके उधर विजिट करते हैं। पूरा इधर मतलब सैंडिंग सी है, तो पूरा मतलब इधर एकदम लग रहा है कि यहाँ राजस्थान वाला फील है। अभी चलते हैं अंदर, टिकट के बाद टिकट लेकर टॉस पर जाने के बाद टॉस चला। वो भी अभी बंद है, वो भी 9 बजे खुलेगा। तो अभी देवी कुंड सागर की ओर चलते हैं, ये भी शायद वो खुला हो। श्री में से वो सेनेटॉप्स तो भी बंद था, बगल में कुछ अंकल जी बैठे थे उधर, तो उन्होंने बताया इधर जा, इधर कुंड है, इधर घूम लियो। अभी हम यहाँ पता नहीं ये सब क्या है, नागे तो शायद कुंड है, बाकी ये सब भी तो शायद चढ़ा जा सकता है, चढ़ कर देखते हैं। इधर कोई दिखाई नहीं दे रहा भाई साहब, लगता है मैं अकेला इधर घूमने आया हूँ। काफ़ी लेकिन जगह काफ़ी सही लग रहा है। राजस्थान में आपको हर जगह इस तरह की ही मतलब झाड़ियाँ बोल सकते हैं इसको शायद, तो इस तरह की झाड़ियाँ आपको हर जगह दिखेगी। एक मैंने ये फूल देखा है, लाइक वो पिंक कलर का है, लगभग हर जगह राजस्थान में मिल रहा है वो फूल। वो इधर इस तरह झाड़ियाँ टाइप के और उसमें पिंक कलर का फूल आता है, आपको दिखाऊंगा। ये तालाब तो लगभग कुंड सूख ही चुका है, पानी नहीं, थोड़ा सा बस उधर दिखाई दे रहा है, कोई दिख नहीं रहा है यार। साफ मंदिर वगैरह है, दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा है, कुंड भी सूख चुका है। कुछ कुत्ते दिखाई दे रहे हैं बस। उधर वाली बिल्डिंग मस्त है, उधर से जाऊंगा। इधर लगभग हर चीज सूख चुका है, इधर भी एक कुंड है इसमें भी पानी नहीं है, उधर भी कुंड है उसमें भी पानी नहीं है। इधर से लग रहा है अभी हाल फिलहाल में इधर से शायद पानी इधर आता है, क्योंकि पानी जाने का जो होता है वो दिख रहा होगा आपको, ऐसा लग रहा है कि हाँ पानी इधर गया है, जाकर फिर सूख गया है। नए नए तरह के पक्षी देखने को मिल रहे हैं। इधर मंदिर है, मंदिर भी बंद है। भी सब सूखा पड़ा है, एकदम सुनसान है, कोई नहीं है, थोड़ा सा ही तालाब में पानी। तो मतलब पहले लग रहा था, पहले मतलब काफ़ी तगड़ा रहा होगा, क्योंकि इसका जो बनावट वगैरह जो लग रहा है एकदम तगड़ा है कि रॉयल फैमिली वगैरह बनाएंगे, कोई अच्छा खासा कैनाल वगैरह रहा होगा। आए कुछ इसके बारे में लिखा हुआ है, आगे चल के देखते हैं। मंदिर टाइप का, इधर बिजली वगैरह भी आती है,
उधर का शायद बढ़िया दिख रहा है। लिखा है इसके बारे में, आमने सामने गणेश जी का मंदिर है, देवकुट सागर तालाब से गाद मिट्टी निकालना हुआ, पैतान सुधन सफाई कर रहे हैं। अच्छा, वो सब मिट्टी वगैरह निकालना, इसे मिट्टी निकाला जा रहा है अभी तालाब से, और इसका भी सफाई चल रहा है शायद, इसलिए में भी पानी ना हो। ग्राम विकास अधिकारी लालचंद परिहार, गेट तो खुला हुआ है, इधर कोई है, खाली है, गाय वगैरह है बस। इधर से बाहर निकलते हैं, कुत्ता है भाई, डर भी लगता है कुत्ता से। चलते हैं बाहर, फिर उधर से चलकर देखते हैं मंदिर वगैरह है कुछ। बगल से ही मुझे एक ऊपर आने का रास्ता दिखा, तो मैं ऊपर चढ़ा, तो ऊपर में कुछ इस तरह का नज़ारा मिला। एक छोटा सा ये पानी के लिए है, पानी बहुत स्मेल कर रहा है ये सब, वो बहुत ज़्यादा शीशा वगैरह फोड़े हैं, बियर वगैरह पीकर, काफ़ी ज़्यादा ग्लास वगैरह फूटा हुआ है इधर। ये थोड़ा टॉप पे है, इस तरह के नज़ारे हैं पीछे के, वो जो आपको दिख रहा है वही है सेनेटॉप्स, यानी कि क्रीमेशन ग्राउंड, वहाँ पे रॉयल फैमिलीज का क्रीमेशन यानी कि दाह संस्कार होता है, तो अभी तो बंद है, इसमें भी चलेंगे, वो भी अच्छा, मतलब घूमने वाला काफ़ी अच्छा जगह लग रहा है। यहाँ से चलेंगे तो जूनागढ़ फोर्ट घूमेंगे, काफ़ी अच्छे नज़ारे हैं, मतलब तो घर वगैरह है नहीं उतना ज़्यादा, इस साइड में दिख रहा है। अभी 7:15 ही हो रहा है, वेट करना पड़ेगा, तो यहीं बैठ के वेट करेंगे, फिर देखते हैं यहाँ से घूम कर ही अब चलेंगे, फिर वापस जाकर आना कोई फ़ायदा है नहीं। चलते हैं, निकल बात वगैरह करते हैं कुछ लोगों से, फिर और क्रीमेशन ग्राउंड घूमकर फिर चलेंगे जूनागढ़ फोर्ट।